बिहार में कोरोना का जो संक्रमण तेजी से प्रसार हो रहा है, ऐसे में बिहार सरकार कितना इस पे रोकथाम कर रही है, कारगर साबित हो रही है? ये मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा पूर्ण रूप से कि बिहार में जो आज की डेट में भयावह स्थिति है, कोरोना जैसी विकाल रूप पकड़ा हुआ है और बिहार सरकार पूर्ण रूप से फ्लफ है। आप IGMS में जाकर देखिए, एम्स में देखिए, PMCH जैसे बड़ा संस्थान है, वहां पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, संक्रमित लोग का इलाज नहीं हो रहा है, काफी लंबी कतारें लगी हुई है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार सरकार पूर्ण रूप से फेलियर है। नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए, ताकि जब सर, बिहार आप ये बताइए, आप तो भोजपुर के जिला राजद के जिला अध्यक्ष हैं, जी भोजपुर की स्थिति कैसी है ये बताएं। भोजपुर में भी महामारी बृहद पैमाने पर बढ़ रहा है और लॉकडाउन जो लगाया गया है ये समय से पहले लगता, आज पूर्ण रूप से विस्तार रूप से गांव गांव तक ये बीमारी अग्रसर रूप में हो गई है और दिन रात बढ़ रहा है। भोजपुर भी भयावह स्थिति में है। जब 37 और 40 की आंकड़ा पर डे मिल रहा है भोजपुर से, तो फिर बोलिए कि भोजपुर बच कहां रहा है। आरा शहरी क्षेत्रों में जांच का जो तरीका, वो कितना सही तरीके से हो रहा है, क्या लगता है कि इसमें किसकी कमी है? आपका जांच का आंकड़ा जो देख रहे हैं वो तो आपका जीता जागता मिसाल है कि 4 दिन पहले जो बारिश हुआ है, सारे लोग का सैंपल पानी में दह रहा है। इसी से आप पता लगा लीजिए कि कितना जांच सफल है। अभी जो लगातार जो मामले आ रहे हैं बढ़ते हुए, तो ऐसे में तो सवाल ये होता है विपक्ष की भूमिका कहीं उस तरीके से दिखाई देती है। तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार पर हमला बोला है और जिस तरीके से जब कोरोना को रोकथाम करना था तो यहाँ पर चुनावी प्रचार किया जा रहा था। विपक्ष पूर्ण रूप से चुनाव आयोग से मांग कर चुका है कि हम लोग पूरे बिहार की जनता को जान की रक्षा चाहते हैं, चुनाव में हम लोग के जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर जान है तो जहान है। इसलिए विपक्ष निश्चित रूप से चुनाव टालने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ रहा है, लगातार जो स्थिति है, अपने आरा शहरी क्षेत्रों को बात किया जाए तो अब उस तरीके का न लॉकडाउन का पालन हो रहा है, न उस तरीके से फॉलो किया जा रहा है नियमों का। पूर्ण रूप से प्रशासन और सरकार फेलियर है। जनता की जान की परवाह न प्रशासन को है न सरकार को है। आपको जानना चाहिए कि जब जिले के SP, DSP, थानादार उदयंत नगर के सारे लोग संक्रमित है और इस संक्रमण में बोलिए कि आम लोगों को, वे लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग को सुरक्षा कैसे करेंगे? आखिर ये संक्रमण इन लोगों में कैसे पहुंच गया? अरे संक्रमण तो सारे नीतीश कुमार और मोदी जी पहुंचा रहे हैं। जब आपको पता है कि शहीद जवान चंदन जी का जब शव आया था तो नीतीश कुमार के प्रभारी मंत्री विनोद कुमार ने कोरोना संक्रमित रहते हुए उतने भारी संख्या में आकर के हमारे जिले के SP, DSP और आम लोगों में कोरोना फैलाने का काम किए। तो चुनाव नजदीक के, चुनाव का प्रचार, वर्चुअल रैली, ये सब कुछ देखने को मिला। आखिर कहने का मतलब ये है कि ये जिस समय कोरोना अपने यहाँ शुरुआती दौर में था तो सभी राजनीतिक पार्टी, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, प्रचार में लगे हुए थे। शायद उस समय ये प्रचार ना कर रहे होते और कोरोना के रोकथाम के लिए लगे होते तो शायद स्थिति अभी जो देखने को मिल रहा वो ऐसा होता नहीं। जब देश में हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में, राहुल गांधी जी ने आपको फरवरी में, 10 फरवरी को ये सदन में आवाज उठाने का काम किए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बोले कि पप्पू जी ननिहाल जाने से डरते हैं, और मोदी जी ने देश नहीं विदेशों से फ्लाइट में भर करके पूरे कोरोना संक्रमित पूरे देश में फैला दिए, और जब गरीबों को, श्रमिकों को घर जाने का समय था उस समय लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जब पूरे मजदूर श्रमिक संक्रमित हो गए तो पुनः छोड़ दिया गया कि अपने अपने घर जाओ और पूरे प्रदेश में फैला दो बीमारी। अब पार्टी क्या स्टैंड लेता है सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ, क्या होगा? पार्टी जनता के हित में काम करेगी और पार्टी का निर्देश है हमारे लालू यादव और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सख्त निर्देश है कि हमारे जनता अगर सुरक्षित रहे इसके बाद हम चुनाव में जाएंगे। इसलिए कि चुनाव कराना आज की डेट में जनता की लाशों पर खेल खेलना है। अभी एक पुल जो था जो टूट गया है, ध्वस्त हो गया है, साइड से जो मिट्टी कट गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे पुल ध्वस्त हो गया, पूरा बिहार ध्वस्त है। पुल तो आपको सामने देख रहे हैं कि 264 करोड़ की लागत से 2 वर्षों के कर्जकाल में
ये पुल बना और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जून में उद्घाटन किए, 29 दिन का मुहलत लेते हुए पुल दह करके फिर गंगा में विलीन होने जा रहा है। इस सरकार की भूमिका पूरा देश नहीं, पूरे प्रदेश और देश पूरे लोग देख रहे हैं, गरीब आम आवाम देख रहे हैं। मैं सभी समाज के लोगों से कहूंगा कि ये सरकार में जो 55-56 घोटाला हुआ है, एक तरह से एस्टिमेट घोटाला ये भी है।